नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सप्तोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस, अब मेरे साथ शालिन कुमार जी बैठे हुए हैं घर पे, वेलकम जी। सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। और काफी अच्छा लग रहा है, मेरी स्मॉल कॉर्नर है मेरा राइट अप जहाँ पे मैं लिखता हूँ मैं पुस्तकें, और वहीं पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पीछे सारे वेद हैं, पुराण हैं, और जिससे बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलती है। आदित्य जी का है, धार्मिक घर है सर्वत्र यहाँ देवी देवता विराजमान हैं, तरह तरह के देवी देवता हैं, और अच्छी पूजा भी ये करते हैं, संध्या करते हैं, संध्या वंदन चलता रहता है इनका, तो बड़ा सात्विक वातावरण है। तो इस सात्विक वातावरण में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे महापुरुष को जिसके बारे में आपने बहुत अध्ययन किया है ना। मुझे पहली बार मुझे इतने सारे शोज करने के बाद, इनका प्लेलिस्ट जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, ऑलमोस्ट 70 से ज़्यादा वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में साइकोलॉजी चैनल पे। तो पहली बार मुझे पता लगा कि आपको साहित्य में आपने कितनी स्टडी की है डीप, पहली बार पता लगा, पहली बार। एंड आई थिंक यही फर्क होता है पर्सनली मिलने का, नहीं तो ऑनलाइन मिलने का है। तो कुछ महात्मा गांधी पे आप कुछ बता रहे थे और मेरे दिमाग में खटक रहा था कि अब मुझे सीखना है तो भी कहीं बैठेंगे तो कैमरा बिकम्स ए वेरी फॉर्मल एनवायरनमेंट। तो महात्मा गांधी थे कौन, डिस्क्राइब करेंगे? बहुत ही सुंदर प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो मैं अपनी अभिरुचि के बारे में बताऊं कि गांधी या गांधी जी से कैसे मेरी निकटता हुई। तो ऐसा था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, तो उस समय बहुत पुस्तकें पढ़नी होती हैं, और भारत में जो व्यक्ति इतिहास पढ़ रहा हो या कुछ अन्य विषय भी पढ़ रहा हो तो गांधी तो आ ही जाते हैं, उसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि बना ही ऐसे गया है पुस्तकों को कि आपको गांधी दिखेंगे ही, सर्वत्र दिखेंगे। तो मैंने रुचि ली और रुचि लेकर काफ़ी तब अध्ययन किया, और मैं आपको बताऊं कि तीन ऐसे व्यक्तित्व हैं संसार में जिन पर मैंने अधिक समय दिया है। एक हैं भारत में गांधी हैं, इंग्लैंड में चर्चिल, और अमेरिका में अब्राहम लिंकन। इन तीनों को मैंने पढ़ा, क्योंकि तीनों अलग अलग क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, अलग अलग अपने अपने देश में। और गांधी जी के साथ ऐसा हुआ कि मैंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद कुछ जो मेरे निकट के लोग थे उनको मालूम भी हो गया, पता भी चल गया कि मैं कुछ अधिक ही पढ़ रहा हूँ उनके विषय में। तो 1987 की घटना है, मुझे याद है, जब मुझे उस समय का जो दूरदर्शन था उस पर मुझे बुलाया गया, और मेरा सौभाग्य था कि वैसे तो मुझे पीछे बिठाया गया क्योंकि मैं विद्यार्थी था, लेकिन वहाँ एक प्रश्न आया जो यहाँ बड़ा आपके लिए प्रासंगिक है कि जिस समय हमें सुंदरता की प्राप्ति हुई 15 अगस्त 1947 को, उस समय गांधी जी कहाँ थे? और मेरा सौभाग्य ये था कि वो जो प्रश्न मंच का कार्यक्रम चल रहा था उसमें जितने भी लोग थे जो सहभागी थे उनमें से किसी को उसका उत्तर नहीं पता था। तो मैंने हाथ उठाया और फिर मैंने बताया कि वो बंगाल में थे, और क्योंकि वहाँ भयंकर दंगे हुए थे, और दंगों के बाद में मैंने और अध्ययन किया तो मालूम हुआ कि माउंटबेटन ने उनको भेजा था, और माउंटबेटन का एक बड़ा प्रसिद्ध वक्तव्य था कि जहाँ सेना पुलिस सब असफल हो गई है वहाँ गांधी सफल होंगे, और इसलिए उनको भेजा गया था। और तो संयोग से मुझे पुरस्कार मिला और मैं पुरस्कृत हुआ गांधी जी को लेकर, फिर और उत्साहित हो गया और फिर और पढ़ने लगा। तो अपने हिसाब से मैंने पर्याप्त अध्ययन किया उनका, और सौभाग्य मेरा ऐसा हुआ कि कालांतर में दीदी से भेंट हुई और पंकज जी से भेंट हुई। तो आपको मैं घटना बताऊं कि ये जो दोनों व्यक्ति हैं अभी भारतवर्ष में, संभवतः हो सकता है इक्के दुक्के हों देश में जिनको गांधी के बारे में उनसे अधिक पता हो, क्योंकि उन्होंने जीवन में एज प्रोफेसर के रूप में गांधी जो प्रतिष्ठान है उसके वो हेड रहे हैं, दीदी रही हैं और पंकज जी भी रहे हैं, और इन लोगों ने पूरा का पूरा गांधी वांग्मय पढ़ा है। तो ये संयोग हुआ कि उनसे और बातचीत होने लगी, तो मेरा और जो भी जानकारी थी, ज्ञान था,
वो बढ़ा। तो ये तो मैंने आरंभ में बताऊं आपको कि इस प्रकार से मैं गांधी जी के निकट गया। और अब आपने जो प्रश्न पूछा है कि वो कौन थे, क्या उनका योगदान था, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस पर जरूर हम कुछ बोलेंगे। उसमें क्या है कि कुछ बातें हमें समझनी चाहिए कि जैसे हम कहते हैं क्या व्यक्तित्व था उनका, कौन थे, भारत देश के लिए उनका क्या योगदान है। तो मुझे कई बातें याद आती हैं कि जो दर्शकों को, श्रोताओं को के सामने रखना चाहिए हमें। और मुझे बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं या लगता है कि उनका जो भी योगदान रहा हो, जो नकारात्मक योगदान है वो कई बार उनके सकारात्मक योगदान पर भारी पड़ता है। आरंभ में जब मैं उनके विषय में पढ़ता था तो नकारात्मक बातें मुझे पता नहीं चलती थी, क्योंकि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो पाठ्य पुस्तकें दी जाती हैं आपको पढ़ने के लिए, उनमें आपको केवल और केवल उनकी प्रशंसात्मक बातें, आलोचनात्मक बातें आपको नहीं मिलेंगी, वो अन्यत्र मिलेंगी। उनके विषय में आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं नाम पर आऊं, क्योंकि आपने आरंभ करते ही महात्मा गांधी का, ये जो महात्मा शब्द उनके साथ जोड़ा गया है उसके विषय में 1938 या 39 घटना है, जब अंग्रेज सरकार हमारे यहां थी तो सरकार ने एक सर्कुलर या परिपत्र जारी किया जिसमें लिखा गया कि भाई आज से जब यदि आप गांधी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले महात्मा शब्द लगाइए। और इस घटना का बहुत निहितार्थ है, क्योंकि आप भारतीय हैं, आप अंग्रेजों से लड़ रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, आप उसके योद्धा हैं, तो अंग्रेजों में आपके प्रति शत्रुबोध होना चाहिए था और आप में अंग्रेजों के प्रति शत्रुबोध होना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने उन पर, मतलब उनके लिए सोचा कि हमें महात्मा शब्द का प्रयोग करना है और यह सरकारी पत्र जारी हुआ, परिपत्र जारी हुआ। इस एकमात्र घटना से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि गांधी अंग्रेजों के निकट थे और उनका लगातार संवाद चलता रहता था, लगातार, मतलब वो कोई ऐसा समय नहीं है कि जब वो अंग्रेजों से दूर होते थे, पत्राचार चलता था। बाद में फोन की भी बात होने लगी, जब फोन आ गया तो उस पर से भी बात होती थी, या कोई ना कोई व्यक्ति अंग्रेजों की तरफ से भी उनके निकट होता था जिसके माध्यम से वो बात चलती रहती थी। आपके ही कार्यक्रम में हमने बंगाल के अकाल पर बात की थी, उसमें एक घटना आती है कि जब चर्चिल कुछ जानना चाहते हैं गांधी के बारे में कि क्या वो आदमी भूख हड़ताल कर देगा, क्या वो आदमी उपवास करेगा, उससे हमारे क्या ये हो जाएगा और हम कौन सा चुग्गा फेंक दें भारतीयों के सामने जिससे कि वो भारतीय जो है थोड़े संतुष्ट से दिखेंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारतीय ये मांग कर रहे थे कि आप हमें सुदृढ़ कर दीजिए और हमारा समर्थन लीजिए। तो उस समय बड़ी आश्चर्य की बात है कि चर्चिल को थोड़े ही दिन के बाद, अब देखिए उनका सूत्र कितना लगा हुआ था अंग्रेजों का कि एक व्यक्ति जाता है और गांधी जी से बात करता है और उनसे सहमति लेता है, गांधी जी उससे सहमत होते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है मैं मान जाऊंगा, और यह बात चर्चिल को बताई जाती है। तो इसका मतलब है कि लंदन से लेकर के भारत में जहां कहीं भी यह है उसमें वो अंग्रेजों से एकदम जुड़े हुए हैं। यह एक बहुत बड़ी घटना है जो हम भारतीयों को समझनी चाहिए, और इस रूप में गांधी जी को लेकर के मन में बड़ा संशय होता है। अच्छा, एक तो ये हो गई महात्मा वाली बात, अब दूसरा इसका पक्ष लीजिए, क्या गांधी जी महात्मा थे? महात्मा शब्द का जो अभिप्राय हमारे समाज में है, जिसको लोग पूजने लग जाते हैं, जो पूजनीय होते हैं, आदरणीय होते हैं, प्रातस्मरणीय होते हैं, तो क्या गांधी ऐसे थे? तो मुझे कालांतर में पता चला, हमारे यहाँ एक शंकर शरण जी हैं जो बड़े अच्छे लेखक हैं, उनकी एक पुस्तक है जिसमें उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग के विषय में उन्होंने पुस्तक लिखी है, और सौभाग्य से बाद में हमारी जो दीदी हैं कुसुमलता जी,
उन्होंने इस पर एक व्याख्यान दिया है और संयोगवश उसमें जो है लगभग 2 लाख के आसपास मुझे लगता है कि श्रोताओं ने उसको सुना है। उसमें क्या है कि लगभग पता नहीं कई दर्जन लड़कियां कहिए या स्त्रियां कहिए, उनसे गांधी का संबंध है और ये सारे के सारे संबंध जो अवैध हैं। और इसकी जानकारी कैसे मिलती है, तो गांधी स्वयं पत्रों में लिखते हैं। जिसको भी इच्छा हो विस्तार से उस वार्ता को सुन सकता है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। मतलब जब मैं गांधी जी को जिस रूप में देखता था, जिस रूप में जानता था, और मुझे एक बहुत बड़े महापुरुष के रूप में हमारे सामने आते थे, उस छवि को कहिए कि ऐसा झटका लगा कि मैं अभी भी और आज तक ये दोनों में सामंजस्य नहीं बिठा पाता हूँ। जो एक उनकी छवि बनाई गई है और जो वास्तव में थे, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और जिन स्त्रियों के नाम हैं उनके साथ जुड़े हुए, उससे मुझे और व्यक्तिगत रूप से वेदना होती है, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं और हमारे यहां से हम मानते हैं कि हमारे यहां जयप्रकाश नारायण जो हैं बड़े नेता थे, और चाहे उनका स्तर कितना भी बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन निस्वार्थ व्यक्ति थे। मतलब उनको कोई पद नहीं मिला कभी भी। भारत में एक प्रकार से उन्होंने क्रांति की इस रूप में कि कांग्रेस पार्टी उससे पहले कभी हारी नहीं थी। और उनकी पत्नी के साथ भी इनका कुछ ऐसा था जो उनके पत्राचार से निकलता है। राजकुमारी अमृत कौर जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य मंत्री थी, उनको लेकर के ऐसी वार्ता होती है। और जो ऐसे ही बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके नाम बहुत प्रचलित नहीं है, वे सब भी हैं इस सूची में। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा झटका लगा। और ये सारी बातें सत्य हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्य हैं। तो महात्मा शब्द का प्रयोग, फिर मैंने महात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया जीवन। वो उनके व्यक्तित्व में कुछ गुण भी थे, स्वतंत्रता प्राप्ति में उनका योगदान भी था, तो हमारे लिए एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं वो, इन कमियों के होते हुए भी तो हम गांधी जी कह सकते हैं। लेकिन महात्मा शब्द तो मैं मानता हूं, भारत में जन्म लिया हुआ कोई हिंदू, धर्मनिष्ठ हिंदू, जो महात्मा शब्द की परिभाषा से परिचित है, उसके अर्थ से परिचित है, वह व्यक्ति महात्मा शब्द का प्रयोग इनके साथ नहीं करेगा। एक्चुअली आपने मुझे जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। महात्मानस माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रित, कि जो दैवी प्रकृति के आश्रित हो महात्मा, तो और उसका कार्य है भजन तनन मनसो, मतलब सदा कीर्तन में लगा रहे, भजन में लगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरे मित्र हैं प्रखर श्रीवास्तव जी, और उन्होंने बड़ा अच्छा पुस्तक लिखी है, हे राम, परिचित हूं मैं उस पुस्तक से, बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है। और तो ये जो, तो क्या इसको ऐसा बोला जा सकता है कि महात्मा गांधी एक एम्बेरसमेंट है ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए? किस रूप में? जैसे कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उनको भारत में कल्टीवेट किया टू फूल की, मतलब भारतीयों को, और पावर में उनको ये एक डिफैंग द हिंदूज, मतलब हिंदुओं के अहिंसा बोल के दांत निकाल दिए, एक तरीके काट ना पाए। नहीं, लेकिन वो ब्रिटिश के लिए कोई एम्बेरसमेंट नहीं था। एम्बेरसमेंट तो हमारे लिए था ना, कि हम उससे लूट गए, हमारी बहुत क्षति हुई, हमारी ऐसी हानि हुई जिसको हम ऐतिहासिक हानि कहते हैं, जिसकी भरपाई कठिन है। क्योंकि आज भारत की स्थिति बड़ी दयनीय है गांधी को लेकर के, क्योंकि एक ओर तो हम ऐसी छवि बनाना चाहते हैं कि गांधी अहिंसा प्रेमी थे, सत्य प्रेमी थे, और उन्होंने बहुत त्याग किया, बलिदान दिया, और संसार के अनेक देशों में भारत सरकार ने मूर्तियां लगवाई हुई हैं, या उस देश में भी थोड़ी सी इच्छा होती है कि मूर्तियां उनकी स्थापित की जाएं। और साथ में जो ये दूसरी बातें मैं बता रहा हूं, ये उनके साथ लगती है, तो हमारे सामने हम एक खंडित कहिए कि व्यक्तित्व बन जाते हैं राष्ट्र के रूप में, कि हम उनके साथ क्या करें। मैं कुछ एक दो छोटे छोटे उदाहरण देता हूं, लेकिन उसकी उदाहरण बड़े व्यापक हैं।
जैसे अहिंसा के लिए उन्होंने जितना कुछ भी कहा और किया, मैं ये मानता हूं कि ये हिंदू समाज को, जो आपने बड़ा अच्छा कहा था, हिंदू समाज को एक प्रकार से उन्होंने नपुंसक बना दिया। उसमें जो एक प्रखरता होती, एक ऐसा स्वरूप होता जिसको आप दिव्य भी कह सकते हैं, आक्रामक कह सकते हैं, और उस सब के प्रतिनिधि हमारे देश में थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, और मैं सबसे पहले यदि जाना चाहता हूं तो उनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के, जिस पर कभी मैं विस्तार से आपसे बात करूंगा। अब आप देखिए, फड़के का मैं एक उदाहरण लेता हूं। फड़के एक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति, लेकिन वो इतना बड़ा, उनका उनकी दृष्टि इतनी बड़ी थी कि वो क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे अंग्रेजों को। मुंबई प्रेसिडेंसी में, जब वो मुंबई प्रेसिडेंसी था, तो उसके गवर्नर वगैरह को चिट्ठी लिखते थे और वो सीधा कहते थे कि इस तारीख को मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। आदित्य जी, मैं उसको शब्दों में बता नहीं सकता कि उसका क्या प्रभाव था। जब तक फड़के जीवित थे, उनको पकड़ा नहीं गया था, तब तक भारत छोड़ दीजिए, इंग्लैंड के अंग्रेज रात को नहीं सो पाते थे। और वो इतने प्रतिभाशाली, प्रखर व्यक्तित्व था उनका, और वह समझिए कि वो पहले व्यक्ति थे भारतवर्ष में जो जितना बड़ा हमारा देश है उस तरह का एक उनकी क्रांति का प्रभाव था, एक व्यक्ति। अब उन्होंने कहा था कि ये जो मैं कर रहा हूं इससे अंग्रेज दुम दबा के भाग जाएंगे, क्योंकि देखिए भय बिनु हो ही न प्रीत, हमारे यहां कहा भी गया। उनमें ये साहस था और उन्होंने मारा भी, एक अकेला व्यक्ति, और बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे अपने युग में, अपने समय में वो कई भाषाओं के प्रचंड विद्वान थे। और सबसे बड़ी बात कि सबसे पहला काम वो करते थे विष्णु सहस्र नाम का जाप करते थे प्रतिदिन, एक हिंदू के रूप में। और आप देखिए कि इस तरह के जो फड़के जैसे लोग थे, और अंततोगत्वा हमें स्वतंत्रता भी उसी कारण से मिली, जब सुभाष चंद्र बोस बाहर जाकर के फिर अकेले बंगाल से निकल के और इतने बड़े संसार में फैल जाते हैं, एक सेना का गठन करते हैं और उस देश पर आक्रमण कर देते हैं, और बाद में हमारे यहां नौसेना का विद्रोह होता है। और ये ऑन रिकॉर्ड पे है कि जो एटली था, क्लेमेंट एटली, वो जब हमारी सुंदरता प्राप्ति हो गई और बहुत सालों के बाद वो भारत आए, कलकत्ता में एक संवाददाता ने उनसे प्रश्न किया कि आप तो द्वितीय विश्व युद्ध जीत गए थे, आप फिर भारत से क्यों निकले। अब देखिए, इससे ये लग रहा है कि गांधी का कोई अस्तित्व नहीं था, नेहरू का कोई अस्तित्व नहीं था, ये कुछ कर नहीं रहे थे। एटली ने कहा कि हम भारत पर शासन नहीं कर सकते थे जब सेना ने विद्रोह कर दिया, और वो सुभाष चंद्र बोस के कारण किया। तो आप तो ये, मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं कि एक तो सारा हिंदू समाज जो है उसको नपुंसक बना दिया, और स्वतंत्रता प्राप्ति का जो समय है ना, वो बड़ा लंबा खींचा गांधी के कारण, क्योंकि ये जो अहिंसा का जो आवरण इन्होंने ओढ़ा, उसमें क्या होता था कि एक बार आप आंदोलन कीजिए, फिर शांति से बैठ जाइए, फिर वो चलते थे अक्रॉस द टेबल, वो वार्ता होती थी अंग्रेजों से, हम क्या देंगे नहीं देंगे। और इस बीच में अंग्रेजों को इतना समय मिल गया कि उसने देश को तोड़ दिया, खंड खंड कर दिया। एक्चुअली दूसरा पार्ट इस वीडियो का वही करने वाले हैं हम लोग, कि किस तरह भारत को तोड़ा गया महात्मा गांधी की हाँ। तो ये कुल मिला के मैंने संक्षेप में आपको बताया कि गांधी को नए सिरे से पढ़ना चाहिए, और हमें ये देखना चाहिए कि कितनी क्षति हमारे देश को इस व्यक्ति के कारण हुई है, और एक हिंदू के रूप में तो बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब उसमें जहां कहीं भी उनका था, उनका क्यों मुसलमान से इतना प्रेम था वो तो देवता जानता है, लेकिन वो प्रेम इतना अधिक था कि कई बार जो अच्छे अच्छे लोग थे भारत में वो भी उनसे प्रश्न करने लग जाते थे। और उसमें मुझे सरोजनी नायडू और भी कई लोग हैं, एक दो तो मुसलमान भी हैं, जो मतलब उनको कहते हैं कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। उर्दू भाषा को लेकर के उनकी जो नीति थी उसको लेकर के एक दो मुसलमान है वो भी नाराज हो जाते थे,
कि मतलब आप तो हद कर रहे हैं, अति कर रहे हैं, जो मुसलमान भी नहीं चाहते। और अंततोगत्वा देखिए, किसी मुसलमान में उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं, बिल्कुल नहीं है उनके प्रति। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कबीर दास को लेकर के, कि कबीर दास ने हिंदुओं को भी गाली दी, मुसलमानों को गाली दी, जन्म से वो मुसलमान थे, लेकिन उस समय से लेकर आज तक मुसलमान ने उनका साथ नहीं दिया। बिल्कुल कोई मुसलमान कबीर दास को कुछ भी नहीं मानता, और पता नहीं क्यों हिंदुओं ने उनको बहुत महत्व दिया, जबकि हिंदुओं को जी भर के उस आदमी ने गाली दी। पाड़े निपुण कसा ये कहा है एक अपने दोहे में, और वो जो उधर वो कहते हैं कि वो गाय मारते हैं, इधर कहते तुम बकरा मारते हो। अब कबीर दास का देखिए बुद्धि देखिए, अबे भाई हम अगर बकरा मारते हैं तो बकरे की पूजा कौन कर रहा है, लेकिन यहां तो हम गाय को पूज रहे, वो मार रहा है। ये जो तुलना है बकरा और गाय, मतलब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है, ये कबीर दास ने कहा। तो वैसे ही गांधी को लेकर के मैं कई बार ये सोचता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता है। हमारे ब्रह्मा जी को छोड़ के कोई भी देवी देवता नहीं है जो बिना अस्त्र शस्त्र के, और ब्रह्मा जी के विषय में भी ये कहा जाता है कि उनकी ड्यूटी खत्म हो गई, उनका काम जो है लिमिटेड था, लिमिटेड इन द सेंस की देवता तो उन्होंने क्रिएट किए सारे। हाँ, नहीं, उनको कहा गया है कि वो सृष्टा है, उन्होंने सृष्टि को बना दिया, तो अभी वो शांति से बैठे, अभी उनका कोई कर्म नहीं है, जैसे हमारा आपका कर्म होता। बाकी सारे ईश्वर जो है देवता सक्रिय हैं, तो ब्रह्मा जी शस्त्र नहीं है उनके पास, बाकी सारे के पास शस्त्र है। एक हिंदू ऐसा हिंसक हो जाता है, हो सकता है जो गांधी की परिभाषा है, तो मैं मानता हूं वो हिंदू हो ही नहीं सकता। एक्चुअली सारे हिंदू मार्शल मार्शल ही है, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सभी ये गलत फैलाया गया, सिख ये अभी बिना सनातन धर्म के तो सिख धर्म का भी कोई अस्तित्व नहीं। इस पे सेकंड शो पे हम वापस बात करेंगे, तो मैं अभी तो उनको और है मेरे साथ है 10 दिन है, तो मैं पूरी तरह से आपके सामने बहुत सारे इतिहास के ऐसे चीजें रखूंगा, और बहुत सारी पुस्तकें हैं हमारे पीछे, इनकी पुस्तकें मैं पढ़ूंगा मैं समय निकाल के। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस शो। अभी अगले शो के लिए हमारे साथ जुड़िएगा, इसी वार्तालाप को हम लोग आगे लेके चलेंगे। चलिए नमस्कार, आपको भी नमस्कार, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा, बहुत ही उत्तम विषय है, क्योंकि इस विषय पर लोग सामान्यतया बहुत कम बात करते हैं और इसकी गहराई में तो जाना ही नहीं चाहते, इसलिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं। एक्चुअली मैं तो अपने एक्चुअली ये भी चाहता हूँ कि लोग सत्यालोजी जो देखते हैं इतिहास को नए तरीके से देखना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल, और उस पर देखें कि फिर आइडेंटिटी पे भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।